आपको पता है कि हनुमान जी को गदा किसने दी थी? आखिर हनुमान जी को अजय अमर क्यों कहा जाता है? हनुमान जी को ऐसे कौन कौन से वरदान मिले थे जिनसे बड़े से बड़े योद्धा भी थर थर कांपते थे? आखिर हनुमान जी को अपना शरीर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा करने का वरदान किसने दिया था? चलिए जानते हैं हनुमान जी की इन अद्भुत शक्तियों के बारे में। दरअसल ये बात तब की है जब बचपन में हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने लगे। तब पूरे संसार को अंधकार से बचाने के लिए भगवान इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी की हड्डी पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इस पर हनुमान जी के पिता वायु देव ने क्रोधित होकर पूरे पृथ्वी पर वायु के वेग को ही रोक दिया था, जिसके बाद सभी प्राणी तड़पने लगे। तब सभी देवताओं ने वायु देव से विनती की, जिसके बाद वायु देव ने हनुमान जी को एक बार फिर से ठीक करने को कहा। ये सब होने के बाद नारद जी बजरंग बली को एक पवित्र जल की मदद से होश में लेकर आए। अपने पुत्र को होश में आता देख वायु देव ने पृथ्वी पर हवा को फिर से शुरू कर दिया। धरती पर पुनः हवा के संचालन के बाद अनेकों देवताओं ने हनुमान जी को कई तरह के शस्त्र और वरदान दिए, जिसमें से गदा भगवान कुबेर ने उन्हें दी थी। इसके साथ ही भगवान कुबेर ने ये वरदान भी दिया कि वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के आकार को घटा और बढ़ा सकते हैं, उसी तरह उनकी गदा का आकार भी छोटा और बड़ा हो सकता है। वही गदा के अलावा ऐसे कई शस्त्र थे जो उनकी शक्तियों को दोगुना कर देते थे, जिसमें खड़ग, त्रिशूल, अंकुश, स्तंभ, मुष्टि, खटांग, पाश, पर्वत और वृक्ष आदि शामिल है। इसके अलावा सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। यही कारण है कि बड़े से बड़ा कुशल योद्धा बजरंग बली के सामने टिक नहीं पाता था। मृत्यु के देवता भगवान यम ने भी हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वे कभी भी यम का शिकार नहीं होंगे। यही कारण है कि हनुमान जी को हमेशा अजय अमर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो पवन पुत्र को भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। अपने इस अंश अवतार को शिव जी ने किसी भी अस्त्र से ना मरने का वरदान दिया था। वही भगवान विश्वकर्मा ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शस्त्र का उन पर कोई असर नहीं होगा। वरुण देव ने अंजनी पुत्र को एक खास वरदान दिया था, जिसमें 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी उनकी मृत्यु जल से नहीं हो सकेगी। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया था। इसके अनुसार हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा बड़े से बड़ा यानी कि विशाल कर सकते थे। इतना ही नहीं, वे अपने शरीर के भार को भी अपनी इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा सकते थे। भगवान हनुमान के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वे किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने अदृश्य हो सकते थे। साथ ही वे दूसरे के मन की बातों को भांपने में भी सक्षम थे। पवन पुत्र के पास कई सिद्धियां भी थी जिनके जरिए वे दुनिया में अपना अधिपत्य स्थापित कर किसी को भी अपना दास बना सकते थे। कहा जाता है कि हनुमान जी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वो अपनी सभी शक्तियां भूल गए थे, और ऐसा उन्हीं की शरारतों के चलते हुआ था। दरअसल बजरंग बली को बचपन में ही देवताओं से कई तरह की शक्तियां और वरदान प्राप्त हो गए थे, जिसके चलते वो काफी नटखट और शरारती हो गए थे। ऋषियों को तंग करना, तपस्वियों को सताना, ये सब उनके खेल का हिस्सा बन चुका था। अपने माता पिता के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मानते थे। एक बार अंगिरा और भिंग्र वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे। अंजनी पुत्र की शरारत के चलते उनकी तपस्या भंग हो गई, जिसके बाद उन ऋषियों ने हनुमान जी को ये श्राप दिया कि वे अपनी सभी शक्तियां भूल जाएंगे। लेकिन सही समय आने पर यदि कोई उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाएगा तो बजरंग बली को वो शक्तियां फिर से याद आ जाएगी। इसके बाद माता सीता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र जमावंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया, जिसके बाद ही वे लंका जाकर माता सीता का पता लगा पाए थे। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ खास बातें।